हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। आज कुक सम मैजिक में चलेगा कश्मीरी दम आलू का मैजिक, यानी कि आप और हम मिलकर बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने ये बेबी पोटैटोज लिए हैं। ये 15 से 16 बेबी पोटैटोज हैं। इनको मैंने अच्छे से छील के धो के रेडी कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर दम आलू बनाने के लिए जो पोटैटोज हैं इनको हमें इस तरीके से फोक से या फिर कोई टूथपिक अगर आपके पास हो उससे हमें इनको इस तरीके से टीस करना है, थोड़ा 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 करके ये इस तरीके से, ताकि जब ये ग्रेवी में जाएं तो ग्रेवी इनके अंदर अच्छे से फिल हो जाए, मतलब काफी अंदर से फीका फीका टेस्ट नहीं आए। कुल मिला के ये करना है हमें। तो हम इनको सबको रेडी कर लेते हैं। तो हमने सारे आलू फोक से बिल्कुल टीस कर लिए हैं अच्छे से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि कश्मीरी दम आलू की सब्जी आप सरसों के तेल में बनाइए, किसी बटर में या किसी रिफाइंड ऑयल में, किसी घी में बनाने से इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो ट्रेडिशनल टेस्ट इसका सरसों के तेल में बनाने में आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं बारी बारी सारे आलू इसके अंदर डाल दूंगी। ये आलू हमको फ्राई करना है। आलू चेक कर लेते हैं हमारे। ये आलू 70-80% कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा कुक होना इनका बाकी है। तब तक ये, जब तक ये और कुक होते हैं तब तक हम क्या करते हैं इसके ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तड़के की। ठीक, ये कढ़ाई में मैंने एक करछी तेल लिया है तड़के के लिए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम क्या करते हैं, ये जो यहां मैंने एक कटोरी दही लिया है, ये फेंटा हुआ दही है और बिल्कुल फ्रेश कर्ड है। बिल्कुल भी खट्टा नहीं लेना है अपने को। खट्टा लेने से फिर ज्यादा सब्जी में खटास हो जाएगी और टेस्ट नहीं बनेगा। इसमें मैं क्या करूंगी, ये मैंने एक चम्मच सौंठ ली है, ड्राई जिंजर, वो मैं दही में डालूंगी। और एक चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, फेनल पाउडर, ये भी मैं दही में डालूंगी। इसको मैं दही में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कश्मीरी दम आलू में ये सौंठ और सौंफ, इन दो का जो ये फ्लेवर है ये ही इनको कश्मीरी डिश बनाता है। क्योंकि सौंठ जो होती है वो गर्म होती है तासीर में और सौंफ ठंडी होती है। तो ये सौंठ और सौंफ आपस में मिलकर के इसको बैलेंस करती है बिल्कुल, ताकि ये सब्जी बहुत ज्यादा ना गर्म तासीर की हो ना ठंडी तासीर की हो। और दही तो बैलेंस करने के लिए है ही। तेल गर्म हो चुका है। तड़के के लिए मैंने क्या किया है, कुछ मसाले लिए हैं। ये तेज पत्ता है, दो तेज पत्ते ये इसमें डाल देती हूं मैं। ये एक बड़ी इलायची है। ये छोटे छोटे तीन चार टुकड़े दालचीनी के हैं। एक चक्रफूल है और ये 5 से 7 काली मिर्च ये डालूंगी। ये है आधा चम्मच जीरा, ये डाल देती हूं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, दो मिर्च थी छोटी छोटी जिनको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया और इनके हल्के से बीज निकाल दिए हैं, ये डाल देती हूं। अब हमें इसको मसाले को भूनना है। ये मसाले भून चुके हैं। अब मैंने ये 8 से 10 कलियां लहसुन की और एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का और दो हरे मिर्च, ये तीन चीज लेके मैंने इनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये मैं इसमें डालूंगी। अब ये लहसुन अदरक वगैरह भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और एक चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मैं डाल रही हूं इसमें हींग। हींग इसमें कंपलसरी है, हींग को आप स्किप ना करें। हींग अपना बहुत अच्छा टेस्ट देगी इस सब्जी के अंदर। पहले ऑयल में मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर मसाले जलने का डर रहता है, इसलिए हींग मैं बाद में ही डालती हूं। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। ध्यान रहे ये मसाले जलने नहीं चाहिए, अगर ये मसाले जल जाएंगे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा सब्जी का। अब मैं इसमें ये जो दही है इसमें मैंने जो सौंठ और सौंफ मिलाई थी ये दही मैं इसमें डालूंगी। दही इसमें डालते ही हमें गैस को फुल फ्लेम पे करना है और इसको फटाफट से मिक्स करना है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये दही फट जाएगा और सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए अच्छे से दही में, तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, फुल फ्लेम पे पकाना है।
ये दही में उबाला आ गया है, देखो बिल्कुल खदकने लग गया है। इसको हमें थोड़ा और पकाना है, अभी थोड़ा सा इसको ड्राई करना है हल्का सा, क्योंकि हल्का सा ड्राई करने पे जो दही हमने इसमें डाली है सौंफ के साथ और सौंठ के साथ, उसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए सिम गैस करके और ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, हम मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखो मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि हमारी दही पक चुकी है। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम इसमें आधा सा ग्लास पानी डालेंगे, इसको फुल फ्लेम पे थोड़ा सा पकाते हैं। जब तक ये पकती है हम एक बार आलू चेक कर लेते हैं, आलू हो गए कि नहीं हुए। इसमें सबसे बड़ा सा आलू देख करके निकाल के चेक करना है, क्योंकि छोटा आलू चेक करोगे वो अंदर से पक जाएगा और बड़ा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ये बिल्कुल ये अंदर तक आलू कितना फर्स्ट क्लास पक गया है एकदम। ये देखो बिल्कुल ये दबाते ही बिल्कुल मैश हो गया है। तो इस स्टेज पे ये ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जितने भी आलू हैं ये इस ग्रेवी में डालने हैं। आलू मैंने पहले से फ्राई इसलिए करके नहीं रखे हैं, क्योंकि ये जो आलू होते हैं अगर आप पहले से फ्राई करके रख लोगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, और जब ठंडे आलू आप ग्रेवी में डालोगे तो ग्रेवी आलू में अंदर तक नहीं जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ तेल में से निकाल के सीधा ग्रेवी में आलू डालने हैं। पहले हम बोल में निकाल लेते ताकि ईजी हो जाए। अब बारी बारी हम ये आलू इसमें ग्रेवी में डालते जाते हैं। ये गरम गरम आलू जब ग्रेवी में जाएगा तो आलूओं में ग्रेवी अंदर तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से फिल हो जाएगी। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। आधा चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट डालने के बाद हमें इसको 5 मिनट ढककर पकाना है। इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके, सब्जी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से इतने बढ़िया दम आलू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब इसको मिक्स करते हैं। अब एक लास्ट स्टेप का बचा है, वो स्टेप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो करना, आपकी मर्जी हो तो मत करना। पूरी सब्जी बनने के बाद अब मैं इस सब्जी को ऊपर से, मेरे पास ये फ्राइड अनियन है, ये 2 अनियन थी इसको मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा मैं इसको फ्राइड अनियन से ऐसे गार्निश करूंगी। इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है सब्जी के अंदर। ये आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो लीजिए तैयार है सबके फेवरेट कश्मीरी दम आलू रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और अगर आपको और ही ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनानी सीखनी है और खानी है अपने घर पे, दूसरों को खिलानी है, अपने फैमिली मेंबर्स को, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से जो मेरी जितनी भी रेसिपीज हैं उनके नोटिफिकेशन आपकी वॉल पे आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कुक सम मैजिक।